हाय गाइस, आज मैं आपको एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो अमेज़ॉन से बहुत सारे कार्टून्स आते हैं, तो कार्टून्स बहुत सारा इकट्ठा हो गए थे, तो मैं वो कार्टून्स को जमा करके रखती हूँ ताकि उन कार्टून से कुछ यूज़फुल और अच्छा बना सकूँ। तो ऐसा ही एक कार्टून अमेज़ॉन से आया था, जिसमें हमने स्टोरेज का बॉक्स मंगवाया था। तो स्टोरेज का बॉक्स तो हमने यूज़ किया और वो जो कार्टून था, तो हमने सोचा कि उस कार्टून से कुछ अच्छा बनाते हैं। तो वो कार्टून पे हमने एक लीफ का शेप ड्रॉ किया, उसकी आउटलाइन की, और फिर उसको एक कटर की हेल्प से काटा। और उसके बाद हमारे घर पे बहुत सारी वॉल पुट्टी भी बची हुई थी, तो वॉल पुट्टी ही को उस पे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम उसका शेप आउट कट करेंगे, और वॉल पुट्टी लगाने के बाद वो खड्डा लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको अच्छी तरह से टेप से सिक्योर करेंगे। तो यहाँ मोटे मोटे टेप से हमने फटाफट उसको सिक्योर किया, और फिर उसके बाद हमने उसको वो एक पेपर से कवर किया, उसका जो अनादर साइड था वो। और लीफ का स्ट्रक्चर आने के लिए हमने पेपर के ऐसे लंबे लंबे रॉड लगाए ताकि उसको एक अच्छा सा लीफ के जो वेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर आए। तो यहाँ पे हमने पेपर और एक रिफिल के हेल्प से ऐसे लंबे लंबे रॉड्स बना लिए। फिर हमने वो रॉड्स एक के अंदर एक इंसर्ट कर दिए, कुछ छोटे थे कुछ बड़े, और सबसे पहले एक उसका बीच में से पार्टीशन कर दिया, और फिर दो इधर और इधर से लीफ के स्ट्रक्चर में वो रॉड अरेंज करना स्टार्ट किया। गन से बीच के रॉड अटैच किए, और बाकी के रॉड हमने फेविकॉल से, फेविबॉन्ड से, या फिर कौन सा भी अच्छा ग्लू उससे हम अटैच कर रहे हैं। और फिर ये जो एक्स्ट्रा रॉड्स बाहर आ रहे हैं, हम उनको कटर के हेल्प से काट लेंगे। यहाँ पे हमने सीजर का यूज़ किया है, आप कटर से भी काट सकते हो। वैसे गाइस, हमने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते तो है पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको हमारा वीडियो अपने यहाँ तक देख लिया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो देखिए गाइस, हमने पूरी लीफ के ऊपर रॉड्स अटैच कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने मीनवाइल वॉल पुट्टी का पेस्ट भी बना लिया था। तो अब हम ब्रश की हेल्प से वॉल पुट्टी को रॉड्स के ऊपर स्टिक करेंगे ताकि वो उसके ऊपर पेंटिंग करने में इजी हो और उसको अच्छा स्ट्रक्चर मिले।
और अभी हमने उसके ऊपर पेंटिंग करना स्टार्ट कर लिया है। गाइस आप अपनी मनपसंद कौन से भी पेंट्स को ऐसे रैंडमली पेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले ब्लू कलर से स्टार्ट किया है, फिर हमने ऑरेंज कलर लिया है और फिर उसके बाद हम रेड कलर लेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो आप अपने मनपसंद से कोई भी अपने फेवरेट कलर्स को पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ही रैंडमली पेंट कर रहे हैं। तो अभी हमने ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, लाइलैक, पर्पल और अभी हम लाइट येलो वो कलर कर रहे हैं, लेमन येलो। और ये थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, कोई नहीं, हम इसे कवर कर लेंगे। और अभी हमने हाफ लीफ को पेंट किया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम वैसे ही रैंडम कलर और नेक्स्ट हाफ लीफ में पे भी पेंट करेंगे। तो अगर आपको हमारा कलर कॉम्बिनेशन और हमारी शेडिंग्स पसंद आए तो लाइक कीजिए। और यह अभी हमने अदर हाफ पार्ट को भी कलर करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम सिमिलर भी कर सकते हैं, जो कलर हमने हाफ पार्ट में किए वही हम नेक्स्ट हाफ पार्ट में भी करें। पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिक्स किया है, हमने रैंडम कलर्स से पेंट किया है और अलग अलग पेंट से कॉन्ट्रास्ट बनाने की कोशिश की है। तो पूरी लीफ पेंट करने के बाद कुछ ऐसा लुक है गाइस। और अभी हम 3D आउटलाइनर की हेल्प से उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन से ज़्यादा अच्छी हमें डिज़ाइन लगती है। तो हमने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। आपके पास नहीं होगा तो आप इसके बजाय वाइटनर भी यूज़ कर सकते हो, वाइट पेंट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने व्हाइट कलर का आउटलाइनर यूज़ किया है गाइस। यस आप यहाँ पे गोल्डन कलर का, पिंक कलर का, ब्लैक कलर का, आपको जो अच्छा लगे आप वो आउटलाइनर यूज़ कर सकते हो। अभी हमने अदर हाफ पार्ट पे भी डिज़ाइन बना ली है और ये है लीफ का फाइनल लुक। अगर आपको हमारी मेहनत और ये लीफ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ये आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है गाइस। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये उसका फाइनल लुक वॉल पे स्टिक करने के बाद।